खबर यह है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4,84,972 हो चुकी है। मुतासर अफराद की तादाद 95,27,766 तक जा पहुंची है, जबकि अमरीका में 1,24,281 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं। ब्राजील में 53,874, बरतानिया में 43,081, जबकि भारत में मोहलिक वायरस 14,907 अफराद को निगल चुका है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 38,67,378 मरीज अस्पतालों में करंटीना मराकज में जेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनसे 58,481 की हालत तशीशनाक है, जबकि 51,75,416 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,24,281 अफराद मौत के मुंह में जा चुके, जबकि इस बीमारी से बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 24,62,554 हो चुकी है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 11,92,474 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 53,874 जिंदगियां निकल चुका है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,081 हो चुकी है, जबकि केसेस की तादाद 3,06,862 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ चुका है। भारत में कोरोना से 14,907 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 4,73,105 हो चुकी है। इटली में इस वबा से मजमूई अमवात 34,644 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना के बाईस मजमूई हलाकतें 29,731 हो चुकी हैं, जबकि स्पेन में कोरोना से अब तक अमवात 28,327 हो चुकी हैं। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 9,003 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 8,513 हो चुकी हैं। परू में 8,586 अफराद वायरस का शिकार बन चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 9,996 हो चुकी है, जबकि कुल केसेस 2,12,501 हो चुके हैं। तुर्की में वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 5,025, जबकि कुल केसेस की तादाद 1,91,657 हो चुकी है। सऊदी अरब में इस वायरस से अब तक कुल 1,387 अफराद मर चुके हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,67,267 तक जा पहुंची है।